Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you some doers directed asked in MP Board 2016 paper. जो 12वीं क्लास का पेपर है उस जनरल इंग्लिश का, उसमें पूछे गए थे ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स. आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, सामान्यतः इसी तरह के जो होते हैं डूअर्स डायरेक्टेड पूछे जाते हैं. उन्हें कैसे हल करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ 6 पूछे गए थे, उसमें से आपको 5 हल करने थे. मैं आपको यहाँ पर सभी जो कैसे हल करना है उन्हें बता रहा हूँ. सामान्यतः ये रिपीट बहुत कम होते हैं, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते आते हैं. तो यदि आपको ये समझ में आ गए हैं तो इसमें कुछ भी चेंजेस कर कर जो एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उन्हें आसानी से हल कर पाएंगे. सिर्फ आपको जो नियम है वो मालूम होना चाहिए, तो उसके आधार पर आप किसी भी तरह का जो है चेंज करने के लिए आते हैं डूअर्स डायरेक्टेड में, तो आप आसानी से कर सकते हैं. यहाँ पर 6 दिए हुए हैं, आप इन्हें देखें और इन्हें रोक कर लिख लें, और आप अपने खुद के तरीके से इन्हें करने की कोशिश करें, और फिर चेक करें आप कितने में कामयाब हुए हैं, कितने आपके सही निकले हैं. और यदि आपने ऐसा कर लिया है तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं हम. फर्स्ट है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड. उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर सोल्ड. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मीन्स होता है था, थे, थी. यहाँ पर बोल रहा है मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है हाउ मच की मदद से. हाउ मच का मतलब होता है कितना. ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और ये एक इंटेरोगेटिव वर्ड है. व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, हु, हूज, हुम, हाउ, इन्हें सब इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं. और ये जो होते हैं इनका काम होता है क्वेश्चन बनाना. तो जब भी आपको इंटेरोगेटिव से क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है, अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको जो हाउ मच इंटेरोगेटिव वर्ड है उसका इस्तेमाल सबसे, उसका प्रयोग जो है सबसे पहले आपको करना है. इंटेरोगेटिव वर्ड हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर का सेंटेंस हो आगे की तरफ ही उन्हें लगाया जाता है. तो यहाँ पर सबसे पहले आ गया है हाउ मच गोल्ड, ऑब्जेक्ट जुड़कर आएगा इसके साथ में. हाउ मच गोल्ड, कितना सोना. यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यहाँ आपको डिड का यूज़ करना है. जब अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड हो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, तो जब हम उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हमें डिड से क्वेश्चन बनाना होगा. इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें. तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो डिड यूज़ करना है यहाँ पर. यहाँ पर मैंने कलर कॉम्बिनेशन से बनाया है तो आप आसानी से समझ सकते हैं. तो यहाँ सोल्ड है तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है. हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल आ जाएगा यहाँ पर. यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको सोल्ड नहीं करना है. जब वाक्य में डिड आ जाता है तो अगला जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपको फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना होता है. यही सेम स्ट्रक्चर का जो एक और सेंटेंस है जो 2015 में पूछा गया था, वही कि वही सेम हाउ मच से बनाने के लिए दिया था उसने, और यहाँ 2016 में भी उसने सेम रिपीट किया है. तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है. मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अगर वाक्य में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसका क्वेश्चन बनाते समय डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है. हाउ मच का प्रयोग आपको सबसे पहले करना है, और वहाँ ऑब्जेक्ट आपको साथ में ही रखना है. तो ये हो गया हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल. उसके भाई ने कितना सोना बेचा था. ये अफर्मेटिव है, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है. नेक्स्ट यहाँ पर दिया है मैंने आई नो द बॉय, चेंज इनटू पैसिव वॉइस. आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ. इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो एक्टिव से पैसिव के आपको सारे रूल्स मालूम होने चाहिए. यदि आपको नहीं मालूम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पैसिव वॉइस देखें, वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस दिए हैं. क्योंकि जनरली इस तरह के सेंटेंस तो नहीं रिपीट होंगे, लेकिन यदि आपको रूल्स मालूम है तो आप किसी भी तरह के जो हैं सेंटेंस को आसानी से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. आसान सा चैप्टर है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसे समझने में. खैर अभी यहाँ पर देखते हैं हम, ये दिया हुआ है आई नो द बॉय, इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है. पैसिव वॉइस बनाते समय हमें जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले जाना होता है. तो द बॉय जो पीछे था वो आगे चला गया है. नो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार, यदि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो पैसिव में इज एम आर का यूज़ करते हैं. तो एक लड़का है इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे. द बॉय इज, एक्टिव में कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही हम यूज़ करते हैं. तो नो न्यू नोन, नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन. तो यहाँ पर हमने नोन यूज़ किया है टू मी. 90% स्थिति में यही होता है कि पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ होता आएगा. लेकिन दो शब्द को जरूर आप याद रखिए, एक नोन
और एक ओबलाइज्ड, इन दो शब्दों के साथ में आपको टू का यूज़ करना है। प्रीपोजिशन जो है वो टू आएगा, इसमें बाय नहीं आएगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है दे दिया है यहाँ पर आपको ये रूल लिख कर, आप चाहें तो इसे लिख लीजिएगा, ये आपको हमेशा काम देगा। आई नो द बॉय, तो द बॉय फर्स्ट फॉर्म में तो इज़ लगा दिया है, फिर नॉन लगा दिया है, फिर टू लगाकर आई का हो जाएगा मी। यू का यू होता है, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर। ये सारे रूल्स हैं, आपको एक्टिव पैसिव के वीडियोस में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखकर उसे समझ सकते हैं। यदि एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो तो पैसिव में इज एम आर प्लस वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और नॉन और ओबलाइज्ड के साथ में आपको टू का यूज़ करना है, बाय का यूज़ नहीं करना है। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज़ वेयरिंग अ रेड कैप। वो लड़का मेरा भाई है, वह लड़का लाल कलर की कैप पहना हुआ है। कंबाइन द सेंटेंस एंड रिलेटिव क्लॉज। कंबाइन मीन्स होता है जोड़ना, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इनको आपस में जोड़ना है आपको रिलेटिव क्लॉज का यूज़ कर। तो इसमें जो रिलेटिव क्लॉज आएगा वो आएगा हु। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल स्टॉप, बहुत आसान है, फुल स्टॉप की जगह सिर्फ आपको हु का यूज़ करना है। तो याद रखिए, रिलेटिव क्लॉज में जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो आप हु से जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ दीजिए। बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं द बॉय इज़ माई ब्रदर, सेम टू सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर हु का यूज़ करना है फुल स्टॉप की जगह, और ये जो सब्जेक्ट है रिपीट हो रहा है, तो इसे आपको यहाँ से हटा देना है। इसका मीनिंग हो गया, ये हु का मतलब होता है जो। इसके दो मीनिंग है, यदि इंटेरोगेटिव वर्ड आगे की तरफ आ रहा है ये शब्द लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है कौन, और ये बीच में लगकर जोड़ रहा है दो वाक्यों को आपस में, तो इसका मीनिंग होता है जो। द बॉय इज़ माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है, जो रेड कलर की कैप पहने हुए है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर, सिर्फ फुल स्टॉप की जगह आपको हु लगाना है यहाँ पर। एक बात का आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो हु का यूज़ करते हैं, और यदि हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसी चीज़ों के बारे में अगर दिया होता तो फिर हम हु नहीं लगाते वहाँ पर, फिर विच या दैट का यूज़ उसमें होता है। ये नियम जो है मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस बात को ज़रूर आप याद रखें, व्यक्ति के लिए हु और चीज़ों के लिए विच जोड़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। री राइट यूजिंग टू टू, इन्वर्टेड कॉमा इस तरफ आएगा एक। टू टू से जो है इस सेंटेंस को जो री राइट मीन्स दोबारा से लिखना है। राइट मीन्स होता है लिखना, और री राइट मतलब होता है दोबारा से लिखना। बहुत आसान है, ये भी कई बार पूछा जाता है, सिर्फ इसमें दो बातों का आपको याद रखना है। सो की जगह आपको टी डबल ओ टू का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैंने कलर कॉम्बिनेशन में बताया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। सो की जगह आप टू का प्रयोग कर लें, और जो दैट है उसकी जगह पर आपको टी ओ टू का प्रयोग करना है। और इसमें जितना भी जो आगे का सब्जेक्ट है उन सबको आपको सब्जेक्ट हटा देना है यहाँ से, डायरेक्ट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको जोड़ देना है यहाँ पर। टू के बाद जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जगह पर, 90% जो है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो सो दैट और टू टू दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन बाकी जो हिंदी में इसका मीनिंग होगा वो एक ही होगा। ही इज सो वीक, वह, सो दैट का मीनिंग होता है इतना कि। ही इज़ सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट कि, ही कैन नॉट वॉक। कैन मतलब सकता, वह चल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता, इसका मीनिंग ये होगा। उसका भी सेम मीनिंग है कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो इसे ज़रूर याद रखें आप, यहाँ सो दैट का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको टू टू में चेंज करना है। पहले सो को अगर टू का यूज़ कर लें, दैट की जगह जो है आपको टू यूज़ करना है, और ये जो बीच के जो वर्ड हैं उसे हटाकर डायरेक्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पहचानना है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से आगे जो भी दे रखा है उसको कंटिन्यू कर देना है आपको यहाँ पर। तो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये देख सकते हैं आप लिखा हुआ है यहाँ। सो के स्थान पर टू और दैट के स्थान पर टी ओ टू लगाएं, टू के बाद सीधे वर्ब से वाक्य को आगे बढ़ाएं, बीच के शब्दों को हटा दें। ये रूल आप लिख सकते हैं, तो इससे आपको सही इंग्लिश लिखने में ज़रूर मदद मिलेगी। नेक्स्ट है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। क्राइड सेकेंड फॉर्म है, चिल्लाना या रोना यू मतलब होता है इसका, और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीन्स पास्ट इनडेफिनेट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है,
और इसे यहाँ पर कहा गया है कि चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। 2015 में भी इसी तरीके का पूछा गया था, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में जोड़ने के लिए बोला था, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में से चेंज करना है हमें। तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम जो है वॉज प्लस आईएनजी का जो है यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट में वॉज और वर का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, चाइल्ड यानी सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, इसलिए इसके साथ में वॉज प्लस आईएनजी का आपको यूज़ करना है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो गया है। कंटिन्यूस टेंस में हमेशा हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान है, यदि आपको टेंस के बारे में जानकारी है तो आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। टेंसेस के भी सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन्हें देखकर टेंसेस को आसानी से सीख सकते हैं। ये मैंने नियम लिखा है यहाँ पर, आप इसे देखिएगा। ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जैसे ही उसे सैलरी मिली उसने खर्च करना शुरू कर दिया। कंबाइंड यूजिंग नो सूनर देन, नो सूनर देन के साथ में आपको इसको जोड़ना है, सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। तो जब नो सूनर देन, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। नो सूनर आगे की तरफ लगा दें आप सबसे पहले। यहाँ आप देख सकते हैं गेट्स एस लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दे रखा है इसमें। और जब एस का यूज़ किया होता है तो हमें वहाँ पर जो है डज का यूज़ करना है। नो सूनर, इसमें डज दिया नहीं है, आपको डज लगाना होगा। नो सूनर डज ही, फिर वापस से यहाँ से एस हट जाएगा, गेट सैलरी, नो सूनर डज आपको लगाना है यहाँ पर, फिर ही, फिर गेट। यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ एस लगाएं, लेकिन जब डज लग जाता है तो फिर आपको एस वहाँ से हटाना आएगा, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, फिर जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की जगह पर आपको टी एच एन देन का प्रयोग करके पूरा सेंटेंस को एज इट इज़ कंटिन्यू कर देना है। बहुत आसान है, आप ज़रूर ध्यान रखें इसे। नो सूनर डज ही गेट सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जैसे ही उसे सैलरी मिला उसने खर्च करना शुरू कर दिया। दोनों ही सेंटेंस का एक ही मीनिंग होता है, और नो सूनर का मीन्स होता है जैसे ही, और कभी कभी जो ज़्यादातर जो ऐसा होता है कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, तो आप याद रखिए, अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो यहाँ पर डिड आएगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एस लिखा हुआ है वर्ब के अंदर, इसलिए यहाँ पर डस प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। और अगर कभी यहाँ गॉट हो जाए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको वहाँ पर डिड का यूज़ करना है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड वाले जो सेंटेंस को जोड़ना है उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ फुल स्टॉप की जगह आपको देन का यूज़ करना होगा। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ये 2-3 बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। और इसके आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने अलग अलग वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर और देख सकते हैं उसे प्लेलिस्ट में। तो ये 6 मैंने यहाँ पर समझाए हैं, अगर यदि आपको समझने में परेशानी है तो यदि आप इसे 1 या 2 बार रिपीट करेंगे तो संभवतः आप बहुत अच्छे ढंग से आप इसे सीख पाएंगे। ग्रामर के रूल्स हैं, 1 time investment and lifetime profit वाली बात है, आपको सिर्फ 1 बार मेहनत करना है और इसका फ़ायदा जो है आपको हमेशा मिलेगा। स्कूल एग्ज़ाम में भी मिलेगा, स्पीकिंग में भी मिलेगा, राइटिंग करते समय भी मिलेगा, और यदि आप भविष्य में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ये रूल मदद ज़रूर करेंगे। तो आप एक बार इन्हें मेहनत करके अच्छे से सीख लें, ये आपको हमेशा फ़ायदा देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ मेरी बुक है, इसमें सारे बेसिक और एडवांस के जो रूल्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिल जाएंगे। इसमें ऐसे एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल, ऑक्सिलरी, सभी चीज़ें इसमें दी हुई है मैंने। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कॉन्वर्सेशन, यदि आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, एक ही बुक में मैंने सारी चीज़ों को रखा है स्टेप बाय स्टेप ढंग से। तो ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है और आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं। एंड इस तरह के कुछ और जो वीडियोस आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लिखें डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, उसके बाद चैनल में चले जाएँ। आप सारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसमें वीडियोज़ में चले जाइए, अपने सेलेक्ट का वीडियो, आप जिसमें जिस सब्जेक्ट में परेशानी है, आपको जिस चैप्टर में परेशानी है, वो वहाँ से देख सकते हैं आप। और प्लेलिस्ट में आपको सारे लाइन वाइज मिल जाएंगे, 2010, 11, 12, 13 ऐसे सब मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना के दिया है वहाँ पर आपकी सुविधा के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देखें, आप सारे क्लियर कर लें तो उसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और संभवतः ये आपकी बहुत मदद करेंगे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कमाने में।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।